क्योंकि सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। आज हर जोड़ी अपना अपना तानसेन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगी हमारे तानसेन एक्सचेंज स्पेशल में। वैसे हमारे एक्सचेंज ऑफर में आपके लिए सिर्फ देसी माल नहीं है, आज हमारे पास आपके लिए लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस से बहुत ही स्पेशल स्टार्स आए हुए हैं। सो प्लीज वेलकम द वेरी हैंडसम एंड डैशिंग अली जफर विद द गॉर्जियस एंड स्टनिंग अदिति राव। सबसे पहले वेलकम टू कॉमेडी सर्कस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क से तो आप दोनों घूमकर आ गए, लेकिन आपकी इस फिल्म में इंडियन क्या है? खूब सारा प्यार और खूब सारी हंसी। अली, आप और क्या डालना चाहेंगे अपनी इस फिल्म में? एक्चुअली कहानी शुरू मुंबई से होती है और ये चेंबूर की लड़की है और ये बांद्रा का बॉय है और लंदन एयरपोर्ट पे इनकी पहली बार मुलाकात होती है, तो इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुंबई टू लंदन, लंदन टू पेरिस, पेरिस टू न्यूयॉर्क, ऐसे। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तो हम खूब एंजॉय करेंगे। फिलहाल आप दोनों अपनी तशरीफ रखिए। प्लीज वेलकम कृष्णा एज लवर, सुदेश एज दुल्हन एंड मनमीत एज दूल्हा। आज फिर कोई आया प्रमोशन के लिए सर। किधर बैठे हैं यार? क्या बात है, आज दो कमाल के एक्टर्स आए, जोरदार ताली बजाइए। चलो तारीफ की बातें हो गई, अब असली काम करें। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि आप दोनों में से अली जफर कौन है? नहीं पता है क्यों, बाहर लड़कियां बहुत चिल्ला रही हैं, बहुत क्यूट लगता है, बहुत क्यूट लगता है। अब ये दोनों ही क्यूट लगते हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ यार। मैं आदित्य राव खैदरे हूँ, ये अली है। क्या बात है, ये भी बहुत बढ़िया करते हैं, जोरदार तालियां। सर जी हमारा शो देखते हो? देखे बगैर कोई रह नहीं सकता। मैं बोलता सर शो देखना छोड़ो, फिल्मों पे ध्यान दो सर। आप मेरी फिल्में देखते हो? अरे कब तक हिट फिल्में देते रहोगे यार, एक बार डायमंड जुबली भी दो, ये वाली डायमंड जुबली होगी, जोरदार तालियां। खैर अपने बारे में कुछ बता दूं आप लोगों को, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई। पता है सर कैसा महसूस होता है, जैसे कि दूध आपने खरीदा हो, खुद फाड़ा हो, पनीर कोई और खा रहा हो। मेरी गर्लफ्रेंड नैंसी प्रेगनेंसी से पहले चली गई। खैर आपको पता है सोहेल भाई की अर्चना जी की लव मैरिज हुई है ना, लेकिन परमित जी जो है वो पूरी जिंदगी चीजें अरेंज करने में लगे रहे हैं। अब कल ही मेरे को मिले बाहर, लेन के बाहर डांबर के गोले बना रहे थे। मैं सर जी ये क्या कर रहे हो, कहते अर्चना गुलाब जामुन मंगवा रही है, 100-200 खा जाती है, इतना महंगाई का जमाना है, कहां से अफोर्ड करूं यार मैं। मैंने बोला सर जी डांबर खिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा, कहते खाक पता चलेगा, वो कौन सा चबाती है, सीधा गटक लेती है। खैर मेरे को पता चला है कि नैन्सी का जो बॉयफ्रेंड है वो इस कमरे में आ जाने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरे को कैसे मालूम, अरे सालो राइटर मेरा दोस्त है, उसने सब बताया मेरे को कि आज स्क्रिप्ट में क्या क्या होने वाला है। देखते हैं किधर है साला। इतने सारे लोग मेरी शादी में आए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, कमाल हो गई, कांट बिलीव इट। अबे साले विश्वास तो मेरे को नहीं हो रहा है कि मेरे जैसे हैंडसम आदमी को छोड़ के मेरी नैन्सी किस शतर्क मूर्ख से शादी कर रही थी। अबे कौन भौंका? अबे मैं भौंका, इधर देख बे, नैन्सी का बॉयफ्रेंड चंदन। चंदन? अबे चंदन के तो साबुन होते हैं, ये कैसा नाम है? पंच मार रहा है साला। अबे साले 5 साल से मेरा अफेयर चल रहा है नैन्सी के साथ, सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो नैन्सी ने तेरे को ये नहीं बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? भाई ऐसा नहीं हो सकता। अरे हो सकता है, डॉक्टर ने बोला है सब कुछ पॉसिबल है, 6 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा हो सकता है, तेरी नैन्सी के दिल से लेकर तिल तक मैं सब कुछ जानता हूँ। तेरे को MMS दिखाता हूँ मैं, ये देख। कमाल है यार,
अबे पर ये मेरी नैंसी नहीं है। सॉरी यार मैं। अरे, अरे नहीं, गलती से श्रुति का मोबाइल आ गया यार। तुम लोग भी ना खाली पॉकेट ताली बजाते रहते हो। ए साले इधर एक चल रहा है कॉन्वर्सेशन के बीच में, ये सब म्यूजिक काहे को बजा रहे तू? अबे म्यूजिक नहीं बजा रहा, दरवाजे पे कोई है। दरवाजा अगर तूने किसी को भी बताया ना मैं इधर हूँ, साले मैं गोली मार दूंगा तेरे को। मेरा निकाल, मेरे को दे, मैं तू बनकर नैन्सी को मिलूंगा, समझा क्या? तू जाकर सर साइड में छुप जा। क्यों, मैं क्यों छुप जाऊं? क्योंकि साले तेरे से ज्यादा लाइनें नहीं बुलवानी हमको, इसलिए जाकर साइड में बैठ जा। इधर नैन्सी, माय नैन्सी। मेरा डांस पसंद किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं माधुरी दीक्षित से आगे निकल जाऊंगी। अरे तूने सेहरा क्यों लगाया, आज तो तेरी शादी है। वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, हम शादी से पहले लड़की को चेहरा भी नहीं दिखाते। अरे फिर क्यों, चेहरा नहीं दिखाना तो ना दिखा, पर कोई बात तो कर। क्या बकवास करी, तेरी माँ का साकी ना खा। ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी हुई है। हाँ, कॉमेडी सर्कस में सुदेश लहरी के साहब जो कृष्णा कमीना आते हैं, उसकी आवाज निकाली ना। अब 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 नहीं 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 नहीं, मैं तो वो सिंगर हूँ, सिंगर। मेरी आवाज तुमने किसी गाने में सुनी होगी। तुम मनमीत नहीं? मैं मनमीत ही हूँ। हाँ तो फिर तेरे गाने कौन सुनता है? शकल दिखा मेरे को। दिखाता हूँ शकल। हाँ। पहले अपनी आंखें तो बंद करो डाली। ए अच्छा। आंखें खोलो। ले, इतनी भी बुरी शक्ल नहीं जो मेरी आंखें बंद करवा दी तूने। तू आ जा, बैठ जा मेरे पास, बैठ तो दो मिनट जरा। जल्दी 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 इधर आ जा, इधर आ जा। मैं नहीं हूं, मैं कभी ऊपर नहीं हुई, नीचे थी। अच्छा नीचे बैठ जा, चल। नीचे क्लोजअप भी ज्यादा बढ़िया। बात बता, आज हमारी सुहागरात है, कैसा महसूस कर रही तू? क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी सुहागरात के बाद महसूस नहीं किया तो पहले क्या करूं? तो मतलब तू पहले से शादीशुदा है? क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बच्चे मुझे शादी करने ही नहीं देते, मैं कहां शादी करूंगी। बात बता मुझे, कहां ले जाऊं तुझे हनीमून के लिए? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क? मैं सो जाती। क्या कर रही है? एक बात हूं, मुझे कहीं भी ले जाओ लेकिन मैं किसी होटल में नहीं जाऊंगी। क्यों? फिर लोग पहचान लेते, ये तो रोज ही नए नए लड़कों के साथ आती है। नहीं नहीं नहीं, वो बुरा मानेंगे ना, पहले तो बड़े हैंडसम लड़कों के साथ आती थी, आज इसको ये बंदर कहां से मिल गया। ये साला बहुत ड्रैग कर लिया तुम लोगों ने। सुनो तुम्हारी तो अरे बहुत गुरछर्रे उड़ा रही है इस लड़के के साथ तू यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, हाँ? तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो वैसे मुझे अच्छा लगा, मैं इसके साथ फंस गई। अच्छा फंस गई, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुन, हाँ? अगर तू मुझे मारना चाहता है ना, उससे पहले हाँ? तुम्हें मेरे पति की लाश से गुजरना पड़ेगा। हाँ? नहीं, नहीं, नहीं। कमी नहीं, नहीं, मैं नहीं, मार इसको। नहीं, नहीं, मार इसको। नहीं, 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 मैंने कुछ नहीं किया। अब खत्म हो गया। सानी दबा मागा था, तेरी मागा था कि ना का। नहीं, नहीं मेरा। अरे आजकल बंदूकें काफी नकली आ रही है, रुक जा। मर गया की और बोलूं? मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। चलो, हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। एक बार फिर छिछोरेपन की सारी हदें पार कर देने वाला ये एक्ट आपको कैसा लगा अर्चना? Performances were amazing as usual. कृष्णा, आपका शुरू का स्टैंड अप बहुत बढ़िया था। It was a very enjoyable, very entertaining act. Thank you. सुहेल, आपका जो बिगनिंग का जो एक्ट था, as usual, it was high on energy. और आपने एंड में जो मनमी को कहां गोलियां मारी है आपने, मतलब अभी अभी रियलिटी में उसकी शादी अभी भी हुई है। अभी वहां तो नहीं पकड़ सकता ना। अदिति,
आपकी जोड़ी सच में कमाल की है. यू आर हिलेरियस एंड योर सानी धवन अगेरेसा वाज टू गुड. वेरी नाइस. थैंक यू अली. आप लोगों का जो फिनाले था बहुत एंटरटेनिंग था. मुझे अभी तक अंदर से सानी धवन का ऐसा में हंसी आ रही है. इट वाज रियली गुड. थैंक यू. थैंक यू. मैं पूछने की गुस्ताखी करूं कि आप अपना लव अफेयर जारी रखकर जो भी पॉइंट्स देना चाहते हैं आप खुद ही दे देंगे. वाह. प्लीज वेलकम राजीव ठाकुर एज ढाबीवाला, सुहासी एज हिज वाइफ एंड सुगंधा एज वेरियस कैरेक्टर्स. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सर. वैसे अली भाई आपकी फिल्म का नाम है न्यूयॉर्क लंदन पेरिस. लंदन पेरिस नहीं है. ओके लंदन पेरिस न्यूयॉर्क. पता क्या आपका नाम देखकर अर्चना जी में सोचा मैं भी फिल्म का नाम रखती हूँ घाट कोपर डोंबीवली विरार. पता क्या वैसे उनको घूमने का बड़ा शौक है. घर में ना नक्शा बिछा के ना वो सारा कुछ देख लेती है. न्यूयॉर्क लंदन पेरिस. आगे जंप मारा गिर गई. मैंने कहा क्या हुआ. कहते अरब सागर पार करना बड़ा मुश्किल है भाई. ये नियम से पार होता. लेकिन खैर फिल्में बनाना और ढाबे पे काम बनाना एक ही बात है क्योंकि हमने तो पकाना ही होता है. मैं यहाँ पर जब भी कुछ खाना बनाता हूँ अच्छे वाला कोई ना कोई अच्छा सेलिब्रिटी आता है. पर मैं ना अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ. मेरी बीवी पुरानी मैं नया पता नहीं कब आएगी वो भी बेचारी. उतारने में ज्यादा मजा आता है जैसी तू है. ये तो इतनी पुरानी हो गई है साड़ी उतार दी खुद तीन बार उतर जाती है. चलो जाके कुछ बनाओ ग्राहक आने वाले होंगे. जाओ जाओ. अरे मुए यार हेलो मैडम कौन हो आप. कैंसर से पैक करने का जिम किया है मैंने. हैं? खाने लगा खाना. मैडम आप फाइव स्टार होटल में खाना खाया करो. यहाँ पर आकर का ढाबे में ये पतीलियाँ चाटोगी क्या करोगी. शराब. मैं मधुर भंडारकर की फिल्म कर रही हूँ. अच्छा मधुर भंडारकर की फिल्म कर रही हूँ. आगे उसमें मैं गरीब लड़की का गरीब रोल कर रही हूँ. रोल कर रही हूँ. वो मैं सीखने आई हूँ. अबे सीखने आई क्या थूकने आई यहाँ पे तू. सिखाओ मुझे जल्दी से मेरे पिज्जा लेकर आ. जल्दी. देखिए मैडम गरीब लोग पिज्जा कहाँ खाते हैं. उनके घर में पिज्जा आ जाए उस पे बिस्तर बिछा के सो जाते वो तो. तुम्हें गरीबों के बारे में कितना कुछ पता है. बहुत और बता ना मुझे और बता गरीब कैसे होते हैं. कैसे होते गरीब. ये क्या कर रहा तू. ऐसे होते गरीब तरसे हुए. बेशरम, तेरी बीवी यहाँ खड़ी और दूसरी औरत पर नजर डाल रहा है. सॉरी माफ कर दो ये काम तो तुम्हारे साथ करना चाहिए था. पाए लागू. अरे मर गई मेरी फूटी किस्मत. पति मेरे पाँव छू रहा है. हाँ तो जैसी तू है आप मन पाँव छूने कोई करता है. तुम दोनों अपनी बकवास बाद में करो. ये बताओ मुझे इतनी बुरी तुम्हारी वाइफ है. तुम गरीब लोग अपने शौक कैसे पूरे करते हैं. ऐसे शौक होते हैं गरीब. नहीं यू आर टेकिंग मी रॉन्ग. ही इज गेटिंग मी रॉन्ग. एक्चुअली मैं तो लड़कियों वाले शौक की बात कर रही थी. आई मीन गरीब लड़कियां मेकअप कैसे करते हैं लाइक व्हाट दे डू. देखो गरीब लड़कियों के ना तू बना कुछ जाके यहां क्यों खड़ी डिस्टर्ब कर रही है. बार बार भेज देता है. खाना वाना बना जाके. पता क्या गरीब लड़कियों के ना बेचारियों क्या करना है. उनको तो बॉयफ्रेंड बुला लेना अपने भाई की जींस पहन के चली जाती है वो भी सर पे टोपी पहन के. वहाँ गर्लफ्रेंड कम हॉकी का कोच ज्यादा लग रही होती है. How sad, how sad. मैं इस कैरेक्टर को गरीब लड़की के कैरेक्टर को पी जाना चाहती हूँ. घोल के पी जाना चाहती हूँ लाइक दिस. ओके गरीबी सीखनी है ना तो सामने देख. सामने
Oh my God! Oh my God! The goddess, the गरीबों की भगवान, अर्चना। अब तो मैं गरीबों की भगवान से गरीबी सीखूँ। ओह, मैंने खुद इनसे सीखी, बस ये तो बेचारी इतनी गरीब है, ऑटो वाले से भी लिफ्ट मांग रही होती है, प्लीज छोड़ा मुझे वहां तक। ये तो इतनी गरीब है, चवन्नी इन्होंने बंद कराई है, कहते चवन्नी बंद होगी तो हमारी पेमेंट बढ़ेगी। खैर देखिए, आज मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आप सच में गरीब हो के नहीं हो ये पता चल जाएगा। तू भी आ इधर, सारा काम पीछे से कर रही है, पता चल जाएगा अभी गरीब है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम बताते हैं कि गरीबी क्या होती है। अर्चना पहले बताइए, एक्ट कैसा लगा आपको? मुझे हल्का सा स्ट्रक्चर गड़बड़ लगा एक्ट में, बट अदरवाइज व्हाट हेल्ड इट टुगेदर वाज राजीव योर एनर्जी एंड रंगना जी योर वॉक एंड योर ये जो ड्रंकन अंदाज था, आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कैन डू इट द वे यू डू। वेरी वेल डन सुहेल। यू गाइस प्लेड द कैरेक्टर विद फुल कन्विक्शन। ये थोड़ा एक्ट लो था, इट इज नो डिसक्रेडिट टू यू ऑल एज एक्टर्स एंड परफॉर्मर्स, बट जो भी हम मार्क्स देंगे आई थिंक वी विल गिव इट टू यू एज with all conviction this act was done by these actors on stage. Ali and Aditi, aapko kaisi lagi ye performance? I think they were fabulous actors and I think what the judges said, conviction. And Rangna, you were amazing. Mujhe bahut acha laga, bahut maza aaya act ka. Thank you. And judges, oh my God, is it the love affair again? Ye pyar na hoga. 9 points. Please welcome Mantra as Pota, Rashmi as Doctor and Abhijit as Advocate. अरे उम्र ही क्या थी, 99 साल के थे बस। बोल रहे थे जब तक सचिन की सेंचुरी पूरी नहीं होगी मैं भी नहीं पूरी करूंगा। सचिन के इंतजार में खुद ही निपट गए मेरा दद्दू। बड़े अच्छे आदमी थे, अभी पिछले हफ्ते उनके लिए नई बत्ती सी मंगवाई थी, बड़े बोल रहे थे मैं चाव से गन्ने खाऊंगा मजे लिए बगैर ही मर गए। अब मैं इतने गन्नों का क्या करूंगा। अरे मेरा दद्दू, अब तुम्हारी इतनी सारी करोड़ों की जो ये लागत है इसका मैं क्या करूंगा, तुम ही बताओ मेरे को। है इतना सारा सोना, 100-100 बीघा जमीन मेरे किसी काम की नहीं है, बड़ा बुरा हुआ। खैर अब मजबूरन मेरे को अय्याशी करनी पड़ेगी, एक से एक गुलछर्रे उड़ाऊंगा मैं। श्रुति, क्या रेट चल रहा है आजकल सोने का, गोल्ड? आपके लिए दद्दू ने ये स्पेशली उनकी फेवरेट स्टिक भिजवाई है, श्रुति उनकी नर्सरी टीचर थी। अली भाई तुम भी फंस गए, तुम्हें भी अटका। अरे मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं भी तो अपनी पिक्चर लंदन पेरिस न्यूयॉर्क का प्रमोशन करने आया था, देखो कहाँ फंसा दिया यार। हम दोनों का पिक्चर में एक सीन है, वो एक ही सीन पिक्चर को हिट बना देगा अली भाई, टेंशन नहीं करता। इससे पहले कि वो तुम्हें भी मेरी तरह यहाँ पे फंसा दे, भाग जाओ अदिति को लेके भाग जाओ, वो तो कैमरा चल रहा है इसलिए एक्ट कर रहे, नहीं तो बर्तन मंजवाते हैं पीछे ले जाके सेलिब्रिटी से। अरे चले गए, आंखों में आंखें डाल के देखने वाले चले गए। हे भगवान, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो उन्हें शांति मिल जाए बस। आप कौन है उनको शांति दिलवाने वाली? मैं हूँ डॉक्टर पायल रस्तोगी, वैसे तो नाम की ही डॉक्टर हूँ, मैंने दिन रात इनकी सेवा की है। देखो जितनी सेवा करनी थी दद्दू की वो तुमने कर ली, अब बाकी का मेवा मैं खाऊंगा, मेरा बाकी की सेवा मैं करूंगा दद्दू। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है इनकी हवेली की रखवाली मैं करूं, ये ऐसा चाहते थे तो इन्होंने अपनी पूरी हवेली मुझे गिफ्ट कर दी। चलिए इसी तरह पागल हो गए, हवेली गिफ्ट कर दी, छोड़ हवेली के, क्या हवेली के चूरा ने ऐसे कैसे उठ के गिफ्ट कर दी उन्होंने दद्दू। अरे अरे मैडम, इतनी छोटी सी बात पे सलमान भाई को क्यों बुला रही, अपनी हवेली मिल बांट के रह लेंगे, मेरी बात तो सुनो। आप आओ मेरी बात कोने में।
कल सलमान कुरैशी और मैं इनका वकील हूँ। इसकी इसी की तैसी ये तानसेन एक्सचेंज में लाना ही था तो कपिल को लेकर आती, कम से कम कॉमेडी होती, या डॉक्टर आ गया या वकील आ गया, कॉमेडी कब आएगी? देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, आप वसीयत पढ़िए वकील। हाँ हाँ, मैं बनारसी लाल चौबे अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत नामा लिख रहा हूँ। एक सेकंड, ये वसीयत कौन सी तारीख को लिखी गई थी? ये 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, हाँ, यानी कि ड्राई डे। ऊपर से बोल रहा पूरे होशो हवास में लिखी है। अरे ड्राई डे के दिन तो दद्दू ऑन द रॉक्स पीते थे। यानी ये पक्का है कि ये वसीयत जब लिखी गई थी तब वो टल्ली थे। केस सॉल्व मिलोड। अरे ऐसे कैसे केस सॉल्व? देखो आगे लिखा है, इस दुनिया में मेरा एक बेटा, बहू और पोता है, लेकिन बेटा छोड़कर, मुझे छोड़कर विलायत चला गया, इसीलिए उसका मेरी जायदाद पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे पास 100 बीघा जमीन है। अरे 100 बीघा जमीन, इस पर मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाऊंगा, मैं अमीरों के लिए हॉस्पिटल बनाऊंगी। लेकिन वो 100 बीघा जमीन गिरवी रखकर मैंने लोनावला में फार्म हाउस बनाया है। फार्म हाउस? अरे चुप बैठो। लेकिन वही फार्म हाउस बेचकर मैंने ये हवेली खरीदी है। ए, ये हवेली मेरे को चाहिए, समझे ना? अरे एक मिनट, लेकिन पहले वसीयत में ये भी लिखा है कि आधी जो जमीन है वो इनके पिताजी के भाई, नहीं इतने पिताजी के भाई नहीं हो सकते। हाँ, चाचा हाँ, के नाम करके आई है। अबे डिसलेक्सिक बच्चे, स्क्रिप्ट पे तो ढंग से पढ़ ले। एनीवे पापा चाचा को दी थी उन्होंने। सुनो ये आधी हवेली मेरी है, फैसला अभी बाकी है। हाँ तू ही बता किसकी हवेली, जल्दी बोल। अरे देखे ये हवेली जा रही है। हाँ हाँ, धक 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 धक, किसकी है जल्दी बता। अबे तू पढ़ना। हाँ तू पढ़ना। देखिए ये जमीन जा रही है डॉक्टर पायल रस्तोगी को, या फिर पप्पू को। अभी भी है। अरे तू यार किसकी है जल्दी बता। एक मिनट, ये फैसला होगा यहाँ पर। अरे साले जो इंडियन आइडल वालों ने तेरे साथ किया तू हमारे साथ क्यों कर रहा है? जल्दी बता। धक धक, जल्दी बोल। ये जायदाद जाती है। अरे पायल जी, अबे बोला था मैंने ज्यादा देर इंतजार नहीं कर पाऊंगा। अरे अब मेरे को हार्ट अटैक आ गया, दद्दू के पास जा रहा हूँ मैं। जाते जाते मैं अपनी वसीयत भी लिख दिया। देखो अपनी वसीयत का कुछ मैं सबको बांटना चाहता हूँ। अर्चना जी आपने इतनी बार नंबर दिए, मैं अभी आपको आज नंबर देकर जाऊंगा। पिज्जा डिलीवरी वाले का नंबर है, आधे रेट पे देता, भले महीने भर पुराना पिज्जा हुआ तो क्या हुआ। राजीव ठाकुर मेरा भाई, तेरे लिए मैं कुछ पंचेस छोड़ के जा रहा हूँ जो मेरे से तो कभी स्टेज पर फूटे नहीं। सोहेल भाई आपके लिए स्टूडियो के ताले की चाबी है, बात करके भाग जाओ, मेरा तो टाइम आ गया। दद्दू मैं आ रहा हूँ। दद्दू मतलब कि सब कुछ मेरा हुआ? मेरा? ये क्या कह रही हो डार्लिंग? मेरा मतलब है कि हमारा। अच्छा जी हमारी स्कीम तो कामयाब हो गई, हमें जो मिलना था वो मिल गया, अभी इसे कुछ बचे कुछ नंबर हो तो दे दो। सोहेल कैसा लगा आपको ये एक्ट? The kind of talent that we have on stage, इतना जस्टिफिकेशन नहीं था। Everyone was trying the best, but the content was not there in this particular act. Archana, actually a straight script tha, and the great peaks and valleys that you need from a good act were missing. It was still entertaining, sweet. Ali? मैंने चूंकि मंत्रा के साथ काम किया है और एक सीन था जिसमें मैं नर्वस हो गया था कि यार मुझे कौन देखेगा फिल्म में। तो he's very talented, तो बहुत मजा आया एक्ट का। Thank you. मुझे आपकी फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है। Where you're sitting on the piano and you're singing for her. Can you sing it for me? Thank you.
welcome Bharti as Beti, Sudesh Bhosle as Bhikari Bap, and Siddharth as a stranger. अपना असली वाला गाना गाते हैं। इन लोगों ने मेरे जैसे का क्या हाल बना रखा है। इतनी आदत पड़ गई है, आजकल हर हीरो के गेट के सामने सुबह निकल जाता हूँ। कल अमित जी के बंगले पे निकला कटोरा लेके, तो गेट में वो पहले से खड़े थे। बोले मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ जब मेरा ही पास नहीं है। वहां से निकला मैं राजकुमार जी के बंगले पे, तो वो बोले जानी भीख तो हम भी मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे, लेकिन वो मोहल्ला भी हमारा होगा, वो गली भी हमारी होगी, वो कटोरा भी हमारा होगा, और वो चवन्नी भी हमारी नहीं तुम्हारी होगी। पापा मेरा फ्रेंड्स के साथ खेलने का मन कर रहा है। नहीं बेटा, तुम अब जवान हो गई हो, तो वो हम उससे खेल लेंगे फिर। अरे बेटी बेटी, ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करते। देखो आज हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं। बेटा ये मेहमान है, नमस्ते करो, भीख मांगो उनसे। कौन है पापा ये लोग? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं पापा। तुम्हें मालूम नहीं? ये आदित्य है। और मैं बताता हूँ कौन हूँ। और मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अरे और आपके बहुत गाने सुनता हूँ और गाता हूँ बेटा, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या हाल बना रखा है। जब से कॉमेडी सर्कस में आए गाने वाने भूल गए बेचारे। पापा ये क्या करने आए इधर? बेटा इनकी एक बहुत बड़ी फिल्म है, लंदन पेरिस न्यूयॉर्क, उसका प्रमोशन करने आए बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। पहले बाहर फॉरेन में लगेगी, अगर चली तो फिर इंडिया में लगेगी? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं, ये फिल्म का नाम है लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। अच्छा, उनकी अच्छा। फिल्म है, उसका प्रमोशन है। तो एक एक अच्छी नहीं बनी थी, तीन तीन बना ली इन्होंने? बेटा फिल्म एक ही है, नाम है लंदन पेरिस न्यूयॉर्क। तुम मेहमानों का मजाक मत करो, अपने धंधे पे लग जाओ, भीख मांगो भीख मांगो भीख मांगो। पापा भीख मांगने के लिए सामने एक अमीर आदमी भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना। अरे वाह बेटा बेटा, कस्टमर आ गया, कस्टमर आ गया बेटा, कस्टमर आ गया, कस्टमर ले 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 बेटा। वो अरे वो वाला कस्टमर नहीं, अपने भीख मांगने वाला कस्टमर है। अच्छा पापा, अच्छी तरह भीख मांगना बेटा, आज तेरा पहला दिन है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सदा भिखारन रहे। थैंक यू थैंक यू। ए भाई दे दे भाई मेरे को, ए भाई ए भाई दे दे भाई, ए भाई अरे बकवास बनकर सूट पहनता भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? अबे सूट की क्या बात करते हैं तुम, सूट की क्या बात करते हो, सूट की क्या। जब किसी के पास पैसे नहीं रहते ना, तो मैं ये बन के भी भीख मांगता हूँ। बजाओ। अच्छी बातें करता है पापा, मेरे को इससे प्यार हो रहा है पापा।
अरे बकवास बंद कर, तुझे इससे प्यार हो गया है? इसके तू शादी कैसे कर सकती है? तो हट्टा कट्टा है, ये तो सलामत है, ये ना आगे से लूला है ना पीछे से पंगला है। मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं कैसे भी भीख मांग सकता हूँ। मैं सांप की तरह जाके भीख मांग सकता हूँ, मैं जैकी चैन की तरह भीख मांग सकता हूँ। माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन, आओ भीख लाओ। पापा शादी पक्की ना? हाँ बेटा, बहुत टैलेंटेड भिखारी है। वाह वाह, शादी पक्की, हम खुश हुए। आज जश्न होगा, शहर के सारे भिखारियों को बुलाया जाए, आप लोग भी आ सकते हो। और हाँ, उसकी शुरुआत मैं ही करूँगा। अर्चना सुहेल, didn't you feel you were on a treadmill? This is a perfect example of a script जहाँ पर the performances have taken it to such a high that end में सुदेश, आपके गाने की वजह से, आपके एनर्जी की वजह से मुझे लगा I wanted to come on stage and dance with you. Thank you, man. For सुदेश, especially you, the तानसेन करिया. सुहेल, ये पहला एक्ट जो मैंने देखा है, that having a team of three, it was the most well balanced act in comedy circuits and तीनों को अली, मैं सच्चे दिल से ये कहना चाहूंगा, मैं बचपन से आपके गाने आपको देखता आ रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपके होते हुए मैं इस काबिल नहीं समझता अपने आप को कि मैं कमेंट करूँ इस एक्ट पे। सर, मैं आपका हाथ मिलाना चाहता हूँ सर। जजेस, हाउ वुड यू रेट दिस परफॉर्मेंस? थोड़ा स्क्रिप्ट की वजह से, बट योर परफॉर्मेंस इज अ फैबुलस। 9 पॉइंट्स। एक गाना खास आप लोगों के लिए। Please welcome Kapil as Makan Malkin and Shimona and Molly as paying guests. Hello. Hello. Hi. Hi. पहचाने मेरे को? नहीं। स्वीटी, ये गड़बड़ गेस्ट हाउस की ऑनर। अच्छा, हम लोग रूम रेंट पे देते हैं, कभी कभी तो कोई रूम नहीं चढ़ता किराए, गंदे रूम बड़े ना, 5 बजे कॉकरोच को छुट्टी हो जाती तो कभी कभी तो पूरे के पूरे रूम फुल हो जाते, पता है? पिछली बार तो मैं खुद होटल में जाके रही थी। Oh my God! अली, बाहर सारी लड़कियां बोली थी अली अली, मैं तो मान ही नहीं रही थी। फिर मैंने स्कूटर देखा बाहर, मैंने कहा वही आया है। How are you? Good. इतना अच्छा लगा आपको देख के। अभी थोड़े दिन पहले आपकी फिल्म देखी थी मैंने, वो क्या नाम था, मेरे ब्रदर की दुल्हन, इतना लंबा नाम की रखा था। सीधा नहीं कह सकते थे भाभी। मेरे को एक्चुअली खुद फिल्मों का बड़ा शौक है, यू नो।
अभी मैं जस्ट वेंट टू मीट क्या नाम उनका महेश भट्ट, उनसे मिलने गई थी। मैंने कहा मेरे को पता चला पूजा भट्ट फिल्म बना रही, तो मेरे को उससे मिला दो। मेरे को पता क्या कहते हैं, कहते मैं भी पूजा भट्ट हूँ। अच्छा आप लोगों की नई फिल्म आ रही ना एक और, क्या नाम उसका, न्यूयॉर्क पेरिस लंडन, लंडन पेरिस न्यूयॉर्क, ये फिल्म बनाई कि घूमने का प्रोग्राम बनाया था। चलो बाबा तुम लोगों का काम है करो अपना, हम लोग तो अपना गेस्ट हाउस चलाएं। माय गॉड कोई ना कोई गेस्ट आ जाए बस, एक तो आज एक भी रूम बुक नहीं हुआ। गड़बड़ पीजी होम यही है, गड़बड़ गेस्ट हाउस यही है, तो तेरे को क्या लगता है ये जेडब्ल्यू मेरिट लिखवाया यही बोला? आइए बैठिए। जी मुझे ना रूम चाहिए रेंट पे। रूम चाहिए तेरे को? जितनी जितनी है ना मशरूम के ऊपर तकिया लगा के सो जा तब भी जगह बच जाए। और सुना तेरा नाम क्या है? शिमोना। शिमो है? शिमोना। शिमोना ओके दैट्स नाइस, वन ऑफ द बेस्ट नाम। क्या करती क्या हो? मैं एक्टर हूँ और टीवी सीरियल्स में काम करती हूँ। एक्टर हो, इधर भी किया करो कभी कभी एक्टिंग। अरे सुनना कौन से सीरियल में काम करती हो? बड़े अच्छे लगते हैं। आई नो बाबा मी टू। नाम क्या सीरियल का? सीरियल का नाम है बड़े अच्छे लगते हैं। ओके मेरे को लगा बड़ा रूम देख के बोल रही अच्छे लगते हैं। तो क्या वही सीरियल करती है, कुछ और भी करती है? ऑफ कोर्स कॉमेडी सर्कस करती हूं। ओह माय गॉड दो दो सीरियल करती है, तो तेरे पास खुद का फ्लैट नहीं है, कमरा किराए पे ढूंढ रही है? अरे खरीदना तो चाहती हूँ लेकिन कोई ढंग का फ्लैट मिले तब ना, और वैसे भी बॉम्बे में फ्लैट मिलना थोड़ा मुश्किल है। बॉम्बे में बड़ा मुश्किल है फ्लैट, फ्लैट तो फिर भी मिल जाते हैं, ढंग का पार्टनर मिलना बड़ा मुश्किल है। अपना सामान जाके रख बाबा, सारे रूल ठीक है। ओके ओके तब तक आप लोगों के लिए एक पिंकू जोक। पिंकू जोक। एक बार पिंकू चाइना से होके आया, मेरे को आगे पूछता है कि मैं फॉरेनर लगता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, कहाँ से लगता है मैं फॉरेनर? कहते जब चाइना गया था तो सारे बोल रहे थे तू फॉरेनर से है। ए माय गॉड अभी तो एक ही रूम बुक हुआ है, दूसरा भी हो जाएगा। ओह माय गॉड अलमारी कैसे चल के आ रही है? अलमारी, आई एम मॉली फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से आई है? Yeah, hey girl. Oh God, तो दुबई से नहीं आई है? दुबई? तेरी जैसी चीजें उधर ही मिलती, बुर्ज खलीफा टाइप वो टावर। अरे सुनना ये बुर्ज खलीफा तेरा क्या लगता है, फूफा का लड़का है? फूफा? Who's फूफा? What's फूफा? मतलब जो फूफा फूफी का जो तंग करता है, फूफी की फूफा वही बंद करता है सब फूफा। Anyway, listen, मुझे पता चला है कि यहाँ पे पीजी के लिए रूम रखा है, तो मुझे उसके लिए आई हूँ रूम के लिए। 7,000 रुपए महीना? 7,000 too much, बहुत ज्यादा ये तो। तू कौन सा कम है, कितनी ज्यादा है तू भी? थोड़ा रोक के रखो और ज्यादा लंबी है कि जहाज टकराएंगे तेरे से। अरे सुन ना तू अमेरिका से आई है, हम लोग गेस्ट लोग को हक करके स्वागत करते हैं। हाँ ये जस्ट गिव मी हक। ओके या हम लोगों को क्या हक करना नहीं आता। और अच्छा मैं अकेली हूँ कि और कोई भी है मेरे साथ? मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। शेयर क्यों नहीं कर सकती? तुझे शेयर करना पड़ेगा बाबा। सुनो इधर आओ बैठो ना। ये ओ सच अ क्यूट बेबी, हु इज दिस बेबी? ए बेबी नहीं हूँ, जिराफ कहीं की। ए खबरदार उसको जिराफ बोला, ऊंट को तो जिराफ नहीं वो। तेरे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा इसको दोनों को। Oh no, 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 no. I cannot mesh your bear nahi kar sakti iske saath. Hey, main giraffe ke saath nahi reh sakti. Arey baba, sunte kyun tum log? Bhadakte ja rahe ho. Dekho, tum dono log share karoge na, baitho idhar aao. Tu khade reh, tere. Dono log share karoge to bhada aadha aadha aayega. Like Sohail and Archana. Dono auto pe aate na, 14 rupaye lagte hain. 10 rupaye Sohail deta hai, 4 rupaye Archana. 4 rupaye Archana ji, only 4 rupaye. Aaj jiska auto hai, usko discount to milega na baba. Tu kya baatein karti hai? Acha, suno. रूम में रहना है तो अपना बिस्तर और तकिया ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, सेपरेट होगा तुम दोनों का। हाँ, करना भी नहीं है इस जिराफ के साथ। Yeah, I don't share these things. तेरे को तो मैंने बोला भी नहीं कंबल शेयर करने, तेरे तो खुद के पैर अपने कंबल से बाहर आते होंगे। और मैं तो इवन मैं खुद नहीं शेयर कर सकती पता किसी के साथ, मेरा चद्दर और तकिया सेपरेट होना चाहिए। जुराब और टूथब्रश की बात अलग है। अभी जैसे ये मैंने पहना हुआ ना टॉप, ये बगल वाली शीला का है, पहले दे नहीं रही थी, मैंने 3 मुक्के मार के छीना उससे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा बाबा। तुम लोग जाओ जाके अंदर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ओके फ्रेश हो जाओ, जाओ भाग के जाओ। Where's the bathroom? What bathroom? क्या bathroom? bathroom? कहाँ है? अरे freshen up होने के लिए। Fresh होने के लिए? जैसा तुम लोग काम कर रही ना तो bathroom तो तुमने इधर ही बना के रखा हुआ है। और अभी fresh की बात कर रही, fresh होने तो ये लोग जाएंगे हमारा act देखने के बाद। जा निकलो यहाँ से, कुछ नहीं यहाँ पे। No bathroom, no kitchen, only room, okay? No kitchen? No kitchen? Oh my God! चुप, इतना रख क्यों कर रही है? क्या किचन क्या चाहिए तेरे को?
बिना किचन के भी तुम लोग इतने दिनों से पका रही हो, किचन चाहिए मेरे को, कोई किचन नहीं है, ओनली ओनली रूम, ओके या। अरे तो हम खाना कैसे खाएंगे? अरे मेरा किचन है, उसमें थोड़ा थोड़ा बना लिया करना है। वैसे तुम दोनों में से खाना कौन बनाता है? नॉट मी, नो नो, ये खाना बनाता है। ए जिराफ चुप, मुझे नहीं खाना बनाना आता है। और आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं बनाना आता? मेरे को बाबा क्या आएगा, मेरी तो माँ को खाना बनाना नहीं आता था। हमारे घर में कोई मेहमान आता था ना तो पापा कहते थे कुछ बना, तो मेरी माँ मुंह बना लेती थी, हमें कुछ नहीं आता। अरे जाओ अंदर जाओ। ओह माय गॉड, शुक्र है भगवान का किराए पे रूम चढ़ गए, मेरे किराए को 200 रुपया भी नहीं लगता ये कमरा। हेलो, यस, नहीं कमरे तो दोनों फुल हैं, शादी के लिए अर्जेंट चाहिए, 50,000 तक भाड़ा देंगे आप? क्या बात कर रहे हैं, अभी कमरे खाली हुए हैं। ए लड़कियों, ए लड़कियों, इधर आओ। क्या? ए कमरे का किराया 75,000 रुपए लगेगा, रहना तो रहो, बोरिया बिस्तर निकला, दफा आ जाओ यहाँ से। 75,000 मतलब 75,000? ए तो तुमने कहा था कि 7,000 पर मंथ। ए मनी प्लांट, एक महीने का और उसके अंदर चलेगी, महीने का बढ़ा था मैंने 5,000, रोज का 7,000। अरे लेकिन हम महीने के हिसाब से रहेंगे। महीने के हिसाब से रहेगी तू, महीने बाद आया करेगी, तो बैठ, महीने बाद आया करेगी तू? नो नो, एवरी डे, हर रोज रहेंगे, हर रोज रहना, तो जब रोज रहना है तो रेंट महीने के हिसाब से क्यों? अरे दिस इज सो अनफेयर, आपने तो 5,000 महीने के बोले थे, आप ऐसे कैसे मुकर सकती हैं? तुम लोग नहीं मुकरे क्या? कॉन्ट्रैक्ट जब किया तो क्या लिखा था, कॉमेडी करेंगी, करी तुमने? ए आर यू मैड, पागल हो क्यों तुम? ये मेरे को पागल नहीं बोलना, तेरे को मैं पागल लग रही हूँ? नहीं इधर आ, मैं पागल वागल कोई नहीं हूँ, मैं तो इसको देख के हो जाती हूँ पागल। एक काम करें, दोनों मिलके इसको मारें। क्यों? ऐसे ही मेरे को अच्छी नहीं लगती ये, तू फिर भी अच्छी है। थैंक यू। नहीं काम तो तेरा उससे भी गंदा है, लेकिन जब तू आती है ना स्टेज पे कम से कम तेरे को देख के सोहेल खुश तो होता है, तेरे को देख के सोहेल खुश हो जाता है। ऊपर से ये जब स्टेज पे आती है ना, कैमरा मैन कैमरा ऑन करके इधर मुकर के वीडियो लगा लेता है। व्हाट? मैं ना तुम दोनों के साथ काम नहीं करने वाली, और तुम कालो कॉमेडीज जिराफ के साथ देखती हूँ। अच्छा जी, आप प्लीज मुझे मेरा नंबर दे दीजिए, आई एम लीविंग राइट नाउ। दे दो हाँ प्लीज, या दैट्स अबाउट इट। अर्चना, इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल एक्ट। मौली सही बोला उन्होंने, आपके आने से बाहर आ जाती है स्टेज पर। और शिमोना, यू आर अ स्मॉल लिटिल पैकेज, बट दे सेड गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। आई थिंक द एक्ट वॉज गुड, नॉट ब्रिलियंट, नॉट टू गुड, बट कपिल एज यूजुअल यू वर फैबुलस। सोहेल, कपिल इज द बैकबोन ऑफ दिस टीम एंड यू गाइस हैव सपोर्टेड हिम ट्रेमेंडसली, सो दिस एक्ट फॉर मी वॉज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्ट्स आई हैव सीन, दैट सिंपलिसिटी को एक दूसरे लेवल पे ले जाना। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।